जय हिंद। इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को फंक्शन और रिलेशन के बारे में एक बिल्कुल ही नया एग्जांपल देने जा रहा हूं। अगर इस एग्जांपल को आप याद रखते हैं तो जिंदगी भर फंक्शन में आप कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा, रिलेशन में आप कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा। तो वो एग्जांपल को शुरू करने से पहले आप यह तो जान रहे हैं कि कोई भी रिलेशन जो बना है आपका किससे आया है, सेट थ्योरी से। पहले सेट थ्योरी को हम पढ़े, सेट को पढ़े, अब फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन को जाने, अब रिलेशन से हमारा फंक्शन जान रहे हैं। तो हालांकि इस पर ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए बना हुआ है। तो यहां पर दो सेट लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट आपका 1, 2, 3 है, और ये सेट बी है जिसमें एलिमेंट ए बी सी डी है आपका। और यहां पर क्या कीजिए कि 1, 2, 3 जो है इसको आप तीरंदाज समझिए। तीरंदाज कहने का मतलब आर्चरी समझिए, आर्चरी कहने का मतलब तीर धनुष चलाने वाला समझिए। 1, 2, 3 को आप क्या समझिए भैया, तीर धनुष चलाने वाला आदमी समझिए, तीरंदाज समझिए, ओके। और उसके बाद जो है ये ए बी और सी को आप लोग टारगेट समझिए। तो तीर जो चलाते हैं ना तो किसी टारगेट पे चलाते हैं, तो इसको आप लोग टारगेट समझिए, T1, T2, T3। तो अब देखिए, तो ये इस दोनों सेट का ये पिक्टोरियल डायग्राम हो गया। अब यहां पर क्या है कि हर एक तीरंदाज को अगर 4-4 एरो दे दें हम, कितना मैक्सिमम 4-4 एरो दे दें, कितना दे दें मैक्सिमम 4-4 एरो दे दें। तो यानी कि वन जो है अपना निशाना ए पर भी लगा सकता है, बी पर भी लगा सकता है, और सी पर भी लगा सकता है, और डी पर भी लगा सकता है, समझ रहे हैं बात को। और वन जो है डी पर लगाए और फिर से डीए पे लगाए, तो यहां ये रूल को नहीं है फॉलो करना कि एक ही निशाना एक ही जगह पर चारों जगह लगा दे। मतलब कि जितने भी आपका टारगेट है कम से कम एक ही एरो आप एक टारगेट पे फेंक सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंडीशन आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपका ये आर्चरी है, एरो चलाता है, इस चीज को फिट करके रखिए। तो अगर 4-4 है तो ये कहने का मतलब कि 1-1 पर भी, 1 के लिए बी भी है, 1 के लिए सी भी है, 1 के लिए डी भी है। अब 2 के लिए क्या है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। 3 के लिए क्या है, 3 ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी है। तो इस तरह का जो हमको मिलता है तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में समझ लीजिए कि जितने भी आपका डोमेन में एलिमेंट है उतने ही सबको एरो मिला हुआ है। अब क्या होता है कि यहां 4 है, किसी को 3 मिल गया, किसी को 2 मिल गया, किसी को 1 मिल गया, यानी कि 4 से कम मिल जाए, 4 से कम मिल जाए, 4 या 4 से कम मिल जाए, तो ये जो है आपका वैल्यू, जो भी वैल्यू मिलता है जैसे 3, 2, 1 इस तरह से मिल गया, तो ये जैसे एरो इसका कम होगा तो ये आपका रिलेशन बनाएगा। क्या बनाएगा, ये रिलेशन, ये आपका जो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो गया, जैसे 3 ही मिला इसको आपको, तो जैसे 3 पर निशाना लगाया, 1 पर निशाना नहीं लगा सका, यानी कि इसमें से कुछ घट गया, घट गया, तो इसका मतलब यह जो है रिलेशन जो है सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। तो याद रखिए दूसरा कंडीशन में कि हर एक आदमी को कुछ एरो कम मिल जाए, या आपका नहीं है मिले, या किसी को 1 मिले, 2 मिले, या किसी को मिले ही नहीं, तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या बनता है, रिलेशन बनता है। अब फंक्शन बनने के लिए क्या होता है, फंक्शन बनने के लिए निश्चित रूप से प्रत्येक को एक एक एरो मिलता है, प्रत्येक को एक एक एरो अगर मिलता है तो ये आपका फंक्शन बनाता है। और कहता है क्या कि हर एक एरो जो है आप जिस पर चला सकते हैं, जो टारगेट पे चला सकते हैं, वन को बोले कि कौन एक ही टारगेट पे चलाना है तुमको, तो वन जो है मान लीजिए ए पर भी चला सकता है, बी पर, या तो बी पर या तो सी पर, यानी एक जो है एक से ही रिलेटेड हो, एक एरो इसका खत्म, एक एरो इसका भी खत्म, एक एरो इसका भी खत्म। तो अगर एक एक एरो मिले तो इस कंडीशन में ये जो आपका डायग्राम देख रहे हैं ये फंक्शन का डायग्राम होता है। अब इस बात को अगर आप ध्यान से मिलाइए, डेफिनेशन से मिलाइए, तो आपको समझ में आएगा कि सही में ये एक एक एरो ही मिलता है। जैसे अब देखिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, तो फंक्शन का डेफिनेशन में हम यहां क्या देख रहे हैं कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्प्टी सेट हो गया आपका, है ना। ये देखिए दो को तो इम्प्टी सेट, नॉन इम्प्टी सेट होता ही है। अब देखा जाए कि देन ए रूल, एक रूल एफ एसोसिएटेड विच एसोसिएट्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ
एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए यूनिक एलिमेंट ऑफ, ये यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड फंक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। कहता है कि विच एसोसिएट्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, प्रत्येक एलिमेंट ए का एसोसिएटेड हो यूनिक एलिमेंट। अरे भैया यूनिक तभी होगा जबकि एक को एक ही एरो दिया जाएगा, यूनिक यानी कि यूनिक कहने का मतलब कि एक 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 ही को वैल्यू, तो एक एक एरो जब एक को मिला तो यहां क्या हो गया, यूनिक शब्द हो गया, और यह एसोसिएटेड है आपका बी से, तो इस स्थिति में हमारा ये फंक्शन बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से एग्जाम्पल के मदद से आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ।